अदारा मुआखात एदा मकसद कोई फिरका वरीयत नहीं, एदा मकसद कोई दिलां दे अंदर इंतशार पैदा करना नहीं, एदा मकसद सिर्फ मुआशरे दे अंदर मुस्लिम मुआशरे दे अंदर जो खराबियां ने और मुसलमाना दे अंदर जो कमियां कुथाइयां आ चुकियां ने उन्हां दी निशानदेही और इसलाह करके लोगों नू अल्लाह दे करीब करना मकसद है। बच्चे सुबह कॉलेज जा रहे ने, बच्चियां कॉलेज जा रही ने, नमाज़े फजर नहीं पढ़ते। कई लोग सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे अपनी जॉब अपनी मुलाजमत और अपनी दुकान पर जाते ने, नमाज़े फजर नहीं पढ़ते। अल्लाह दे बंदो, जरा मैं नकम्मे तालिब इल्म दे इस जुमले ते गौर फरमाया जे, जेड़ा बंदा अपने दिन का आगाज ही अल्लाह की नाफरमानी तो करे, दसो अल्लाह पाक उन्हूं की बरकत अता करेगा। बुखारी पाक अंदर मैं पढ़िया, शैतान नमाज जोहर नमाज असर नमाज मगरब और नमाज इशा बंदे दी जाया करन दे अंदर या जाया करान दे अंदर इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत और नमाज फजर दे जाया करान दे बारे करता है। उन्हें पता है जो ये दिन का आगाज ही अल्लाह की नाफरमानी बगावत होएगा, फिर यह बंदा सारी रात और सारा दिन अल्लाह दियां रहमतां बरकतां तो महरूम रहेगा। और मेरे प्यारे भाइयों, नमाज फजर का इतना मुकाम है, इतना एहतराम है, इतनी फजीलत है। मैं सही मुस्लिम जो दो अहादीस पढ़ना, तवज्जो मेरे वर रहे, मेरे और तुहाडे पीर और मुर्शिद जनाबे मुहम्मद, सुने ते दरूद शरीफ पढ़ते रहो। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, रकअतैल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। आप फरमाते ने मेरे सहाबा, दुनिया के मोती एक तरफ, दुनिया के हीरे एक तरफ, दुनिया के जवाहरात एक तरफ, दुनिया का पैसा रुपया एक तरफ, दुनिया के सारे सरमाए एक तरफ, और सुबह दिया दो सुनता जो तुसी नमाज़े फजर तो पहले जमाते फजर तो पहले अदा करते हो, ये दो रखता एक तरफ। मैं अल्लाह का नबी इस बात का फैसला दे के जा रहा कि दुनिया और दुनिया के खजाने भी मिलकर फजर दिया दो सुनतों की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। और सही मुस्लिम के अंदर एक दूसरी रवायत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रकअतैल फजर अहब्ब इलैया मिनल अर्ज जमीया। आपने फरमाया सहाबा, पूरी दी पूरी जमीन नालों बढ़ के मैं अल्लाह दा नबी अगर सब नालों ज्यादा प्यार करना तो फजर दियां दो सुनतां दे नाल करना। जिस नमाज दियां सुनतां दी इतनी फजीलत है, जिस नमाज दियां सुनतां दा इतना मुकाम है, जिस नमाज दियां सुनतां दा इतना रुतबा है, जिदों इंसान वो नमाज जमात दे नाल अदा करे अल्लाह पाक कितनियां बरकतां बहारां अता करदा है। पहले लाहौर दे रहने वालों, मैं उस अल्लाह नूं गवाह बना के आना, तुहानूं शिरकिया तवी जात लिखाण दी लोड़ नहीं, किसे वीर भरा छोटे वड्डे को जाम दी लोड़ नहीं। अल्लाह दे बंदो, फजर दे टाइम शौक नाल उठो, शौक दे नाल ठहर ठहर के दो रकतां पढ़ो, जमात नाल नमाज पढ़ो। तेरा रब फरमांदा बंदिया, इस नूर वेले उठ के तेरा मेरे सामने रोना तेरा काम है, तेनू दर दर दे रोने तो बचा लेना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। इस नूर दे वेले उठ के जिस बंदे दियां अखां अल्लाह तबारक व तआला दी मुहब्बत दे अंदर, अल्लाह तबारक व तआला दे खौफ दे अंदर, अल्लाह तबारक व तआला दी चाहत दे अंदर जिस इंसान दी अखां बह जांदियां ने ना, अल्लाह उस बंदे नूं किन्नियां बरकतां देंदा है, किन्नियां बहारां देंदा है। आओ मैं तुहाडे सामने नमाज़े फजर बाजमाद पढ़न दे 8 फायदे बयान करना अहादीसे सहीहा तो, इन्हां ते जरा गौर फरमाना। और जेड़ा नमाज़े फजर अपने बिस्तर ते जाए कर दे उहदे ते अल्लाह कितना नाराज़ है, उहदे ते अल्लाह दा रसूल कितना नाराज़ है। आइए मैं आखिर ते 4 इहदे नुकसानात भी बयान करना, जरा अल्लाह पाक दी पाक कलाम ते गौर फरमाना। जेड़े मेरे भाई नमाज पहले फजर की पढ़ते हो, अज तो बाद अपने दिल के अंदर मजीद शौक पैदा करो, अपने दिल के अंदर मजीद खशियत पैदा करो। तुहानू भुल गए ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दिनों के अंदर ही शहीद होए ने,
गालबन हजरत उमर की शहादत 26 ज़िलहज्जा यानी आज तो तकरीबन 2-3 दिन पहले मदीना पाक और नबी अलैहिस्सलाम दे मुसल्ले ते फजर दी नमाज पढ़ांदे आ आप नूं लहू लुहान कर दिता गया और नमाज फजर दी इन्नी अहमियत है। ओ मेरे वीर नरम गरम बिस्तर ते नमाज फजर जाए करने वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खून दे अंदर लहू लुहान हजरत पाक पैगंबर दे मुसल्ले ते लत पत लहू लुहान गिरे ने, लेकिन इसके बावजूद सिहाबा ने फजर दी नमाज नहीं छड़ी। अब्दुल रहमान बिन औफ आगे बढ़े ने, 2 रकता मुकम्मल कराइया ने ते सलाम फेरी है, फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उठाया। इतना मुकाम है नमाज फजर दा, सिहाबा दे हां इतनी अहमियत है नमाज फजर दी। और आई अल्लाह पाक ने की गया, तवज्जो मेरे वर रखिया जे, अगर कोई साथी जाए तो जरूरत की वजह तो जाता है, आने वाला साथी बह जाएगा, जान वाला किसी जरूरत की वजह तो जाता है, हर किसी को देखना यह जरूरी नहीं। तवज्जो मेरे वर रहे, कुरान पढ़ांगा, हदीस पढ़ांगा और तुहाडे वास्ते एक खुशखबरी है, अल्हम्दुलिल्लाह सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक तुहाडी इस मजलिस के अंदर रहमत के फरिश्ते भी मौजूद ने, रहमत के फरिश्ते भी मौजूद ने। तो जिस मजलिस के अंदर रहमत के फरिश्ते मौजूद होन, साडा हक बनता है कि असी अल्लाह पाक की तौफीक दे नाल उस मजलिस का भी हया करिए। तो आइए हबाबे ग्रामी कदर और फजर दे अल्लाह पाक दे कुरान ने किंज बयान किए ने, जरा कुरान पाक नू सुनना, कुरान दा सुनना बायसे रहमत है, समझना बायसे हदायत है और कुरान पाक ते अमल करना बायसे निजात और जन्नत है। अल्लाह पाक ने समाज़े फजर, अबे मोबाइल उठा दो, केदा बैल बंद कर दियो, मोबाइल उठा लियो, जो भी बैल आएगी तो सारे लोग परेशान होंगे। नमाज़े फजर की अहमियत और मुकाम के बारे अल्लाह पाक दे कुरान ने की बयान किया है, सुनिए जरा अल्लाह दा कुरान। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमाम अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, आइए लोगों मैं फजर दे खजाने बयान करा, फजर दियां रहमतां बयान करा, फजर दियां बहारां बयान करा, फजर दे रुतबे बयान करा। कुरान की कह रहा है, फरमाया अकीमिस्सलात लिदुलूकि शम्स इला गसक लैल وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا नमाज पढ़ो और फजर दी नमाज भी जमात दे नाल पढ़ो। इन कुरआन अल फजरी कान मशहूदा, फजर दे टाइम अल्लाह पाक आसमान तो रहमत दे फरिश्ते नाजल कर देंदा है, आसमान तो अल्लाह पाक अपनी रहमतां बरकतां नाजल फरमा देंदा है। हजरात अल्लाह पाक दे कुरान दी है तो पता चलिया है, जदों फजर दा वक्त हो जांदा है मस्जिदां दे अंदर रहमतां दे फरिश्ते आ जांदे ने, मलाइका आ जांदे ने। आइए मैं सही मुस्लिम दी एक रवायत पढ़नी चाहना, आका फरमांदे ने फजर दी नमाज दे अंदर रात दे फरिश्ते भी जमा हो जांदे ने, फजर दी नमाज दे अंदर दिन दे फरिश्ते भी जमा हो जांदे ने, जे असर वेले दे जमीन ते आए ने फजर दी नमाज जमात ना पढ़दे ने, जिन्ना फरिश्तिया ने सारा दिन गुजारना है वह भी जेड़े फरिश्ते ने वह फजर दी नमाज जमात दे नाल अदा करदे ने। और पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने की फरमाया है, जदों फजर दी नमाज पढ़ के फरिश्ते वापस आसमान ते जांदे ने, तवज्जो मेरे वालो, अल्लाह नाल प्यार करने वालो, अल्लाह दी मुलाकात दा इंतजार करने वालो, अल्लाह पाक इन्हां फरिश्तिया को सवाल करदा है, फी मा तरक तुमे बादी, फजर तो बाद आए हो ते मेरे बंदिया नू केड़ी हालत अंदर छड़ के आए हो, मेरे बंदिया नू केड़ी कैफियत अंदर छड़ के आए हो, अदारा मुआखात अंदर तशरीफ लाने वालो, अल्लाह अल्लाह पाक नू सारी खबर है कि रात किवें बिस्तर छोड़ के तहज्जुद पढ़दा रहा, अल्लाह नू सारी खबर है किवें दुआए वितर दे अंदर रोंदा रहा, अल्लाह नू सारी खबर है बुढ़ापे दे बावजूद किवें मस्जिद दे अंदर चल के गया, अल्लाह नू सारी खबर है बीमारी दे
बावजूद इन्हें किन्ने शौक न नमाज पढ़ी है, लेकिन अल्लाह तेरी तारीफ फरिश्तिया के कोलों सुनता है। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे फरिश्तो तुम जमीन तो वापस आए जे, मेरे फरिश्तिया किस हाल के अंदर छोड़ के आए जे, तो मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामो अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते आंदे ने अल्लाह सईना हम वहुम युसल्लून वतरकना हम वहुम युसल्लून। अल्लाह से जो असर वेले जमीन ते गए तेरे बंदे दुकाना छड़ के कारोबार छड़ के मस्जिद दे अंदर आ गए, सुबह सवेरे जो असी या अल्लाह फजर तो बाद आसमान ते वापस आए हां तेरे बंदे तेरे प्यारे बंदे तेरे महबूब बंदे नरम गरम बिस्तर छोड़ के बुढ़ापिया के बावजूद बीमारियां बावजूद मस्जिदों के दूर होने के बावजूद या अल्लाह बाजमात तेरे सामने जोग है। ए फरिश्ता अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर हाजरी लगा देंदा है। लाहौरियो जदी अल्लाह पाक दी बारगाह रोजाना हाजरी लग जाए ना फजर टाइम ए फरिश्ते हाजरी लगा रहे जे, जदी हाजरी लग जाए अल्लाह रहमतां दे दरवाजे खोल देंदा है, बरकतां दे दरवाजे खोल देंदा है, खैर दे दरवाजे खोल देंदा है, रूहानियत तुमानीनत दे दरवाजे खोल देंदा है। ते जदी रोजाना फरिश्ते खैर हाजरी लै के जान पता है ना जिस स्कूल दे अंदर बच्चा गैर हाजिर होए, जिस कॉलेज दे अंदर बच्चा गैर हाजिर होए, जिस मदरसे दे अंदर बच्चा गैर हाजिर होए, हेडमास्टर ओदा नाम निकाल देंदा है, प्रिंसिपल ओदा नाम निकाल देंदा है, जामिया दा मुदीर ओदा नाम निकाल देंदा है, जेड़ा बिला वजह रोजाना फजर दे टाइम मस्जिदां दे अंदर गैर हाजिर है और फजर दे टाइम फजर दी नमाज अपने बिस्तर ते जाए करदा है, अल्लाह दी कसम रहमत दे दरवाजे बंद हो गए, खैर दे दरवाजे बंद हो गए। तू बरकत लबना दरबारा तो, तू बरकत लबना मिसारा तो, तू बरकत लबना शिरकिया तवी साथ अंदर ना ना। मैं तेन अल्लाह दा वास्ता दे के कहना चाहना और बरकत दे खजाने अल्लाह पाक ने नमाज़े फजर दे अंदर रख दिते ने। हिम्मत करके कोशिश करके अल्लाह दे प्यार दे अंदर चार पाई छोड़ दिया कर, लिहाफ छोड़ दिया कर, कंबल छोड़ दिया कर। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे मेरे प्यार दे अंदर फजर दे टाइम बिस्तर छोड़ना तेरा काम है, तेरे रहमतां दे सारे दरवाजे खोल देना मैं रब्बुल आलमीन दा कम है।